प्रॉपर्टी 2020 नाम है इसका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो चीज जो बात करने जा रहा हूँ वो है देहरादून में नया मास्टर प्लान आ गया है। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में 2041 तक का 2041 तक का नया मास्टर प्लान आ गया है, तो इसकी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसकी जानकारी क्या है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूज़ अभी देख सकते हैं देहरादून न्यूज़ में। देहरादून में साल 2041 के लिए एमडीडीए का मास्टर प्लान तैयार, 30 अप्रैल तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज। 30 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नया मास्टर प्लान आया है, यदि उसमें आपकी ज़मीन आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, जो कि आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी आपकी वो, और वो पार्क में चली गई है या रोड में चली गई है और आप उसको नहीं देना चाहते हैं या कुछ भी आपको आपत्ति हो, तो वो आप करा सकते हैं। उसकी डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप कहाँ पे जाएंगे? आप जाएंगे एमडीडीए देहरादून का जो ऑफिस है उसमें, या दूसरी जगह है आप नगर निगम में चले जाएं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी इसका मैप लगा हुआ है। दोनों जगह पे आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि मास्टर प्लान में आखिर आया क्या है, जो नया मास्टर प्लान है उसमें आया क्या है। देहरादून में जिन जगहों पर यह मास्टर प्लान लगा है, वहाँ लोग मास्टर प्लान के जरिए तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से एमडीडीए में ही लगा है। खास तौर पर देहरादून की कई ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं तो मास्टर प्लान से कब्जा नहीं करेंगे। देखते हैं आगे। ठीक है, ये आ गया जी, देहरादून न्यूज़। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून में साल 2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया है। ये मास्टर प्लान जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है। ठीक है जी, जियोग्राफिक सिस्टम मुझे भी नहीं पता क्या होता है। इसमें देहरादून के लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई हैं। हाँ, शुरू में तो मांगते ही हैं। 30 अप्रैल तक देहरादून के लोग इसमें अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नया मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा। इस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान में शहर की भूमि को दर्शाया गया है, साथ ही भूमाफियाओं के कब्जे से बचाने को लेकर बफर जोन भी चिन्हित किए गए हैं। अच्छा, भूमाफिया के कब्जे से बचाने के लिए बफर जोन, कुछ खुल के लिखो ना यार। डिजिटल मास्टर प्लान में सरकारी भवनों की स्पष्ट जानकारी भी है, जबकि निजी भवन कहाँ कहाँ पर है। सरकारी भवन जैसे अपना राजभवन हो गया, या कोई पुलिस की बिल्डिंग होती है, कचहरी होती है, ये सब की। और निजी भवन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो रेजिडेंशियल है, वो कहाँ कहाँ पर है उनका। इस मास्टर एमडीडीए ने इस प्रस्तावित डिजिटल मास्टर प्लान में कई श्रेणियाँ बनाई हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, मेजर सिटी रोड, मेट्रो अलाइनमेंट, रोपवे, रेजिडेंट एरिया, कमर्शियल जोन, ऑफिस जोन, हेल्थ जोन, टी गार्डन और एग्रीकल्चर जोन सहित कई श्रेणियां शामिल हैं। ये तो पहले भी थी। अच्छा, इनमें साल 2041 को लेकर अनुमानित आबादी, अच्छा आबादी बढ़ रही है। एमडीडीए ने इस मास्टर प्लान को देहरादून स्थित अपने कार्यालय देहरादून नगर निगम और जिलाधिकारी कार्यालय में लगाया है, जहां पर देहरादून के स्थानीय लोग इसको देख सकते हैं। और इनको वैसे साइट पे लॉन्च कर देना चाहिए ना, अब वहाँ पे जाओ देखने के लिए मास्टर प्लान को। जमीनों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण या किसी भी शिकायत को लेकर आपत्ति 1 महीने के भीतर दर्ज। इतना शॉर्ट नोटिस होता है इनका, 1 महीने के भीतर आप आपत्ति दर्ज कराएं, और 1 महीने में एक्शन कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपत्ति दर्ज हो जाएगी। ठीक है, इस मास्टर प्लान को अगर देखें तो देहरादून का आवासीय दायरा तकरीब 18% बड़ा है। हाँ, सीधा है ना। अभी क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर जोन पे जब आप आउटसाइडर हो रहे तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते थे, उसकी लिमिट थी 300 गज की। अभी देहरादून के एमडीडीए ने मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल एरिया को बढ़ा दिया है, इट मीन्स R3 जोन को बढ़ा दिया है, रेजिडेंशियल जोन को बढ़ा दिया है। तो अब आपकी लिमिट जो हो गई, वो आपकी लिमिट बढ़ गई है, आप उस पर कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर जो आबादी है, आबादी को बढ़ाया जा रहा है। अब एक बात बताओ सर, अगर आप जो अभी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, जो दिल्ली से देहरादून आ रही है एक्सप्रेसवे, उसको आपने मोहन के आगे तक बना दिया, ठीक है, वहां से गाड़ी आ जाएगी गर्मियों में, छुट्टियों में, आपको क्या लग रहा है दिल्ली से, हरियाणा से, इस साइड से कितने लोग आने वाले, कितने लोग आने वाले हैं छुट्टियां बिताने के लिए, कि चलो मसूरी चलते हैं, सहदारा चलते हैं, देहरादून में वीकेंड मना के आएंगे, अपनी छुट्टियां वहां बिता के आएंगे। और अब आपको मोहन से, ISBT के पास से अगर सहदारा तक आना है,
दिल्ली से आपको 2.5 घंटे लगे देहरादून पहुंचने में, अब ISBT से मोहन से आपको 2.5 घंटे लगेंगे सैंधरा पहुंचने में। मतलब अंदर तो पहले रोडों का काम ठीक से करा दो। सैंधरा रोड पे पेड़े कटवा दिए, सारे सारे पेड़ कटवा दिए, कौन से यूकेलिप्टस वाले जो बड़े बड़े पेड़ थे ना वो कटवा दिए, उसके बाद आम उनके पेड़ हैं, अब बोल रहे कि उसका वो कराएंगे, रोपण कराएंगे, इधर उधर लगाएंगे। मतलब अब यहाँ मास्टर प्लान नया आया, मास्टर प्लान में क्या हुआ, जो ज़मीनें एग्रीकल्चर हुआ करती थी उनको भी रेजिडेंशियल कर दिया है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जिनके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी की वीडियो डाल दी, जैसे मांडू वाला क्षेत्र हो गया, भाव वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे हमने रेजिडेंशियल जोन, एग्रीकल्चर में रेजिडेंशियल जो जोन आ रहे थे उसमें हमने आपको प्रॉपर्टी दी थी, सेल करी थी। जैसे कि हमने दीप कॉलोनी में किए थे, जहाँ पे बहुत सारे हमारे दास जी ने लिया था प्लॉट, राणा जी ने लिया था प्लॉट, और बहुत सारे मतलब हमने 7-8 बीघा में वहाँ पे ज़मीनें दी थी लोगों को। तो उन लोगों के दाखिल चढ़ गए थे, सर अभी वो आ गया है R3 जोन। R3 जोन मतलब पहले तो पहले भी था, रेजिडेंशियल था पर MDDA के उसमें नहीं आता था, अब ये MDDA में आ गया है। ठीक है, तो आप मेरे पास ये पहले से प्लान पड़े हुए हैं कहाँ कहाँ पे इनके ज़मीनों के ये मास्टर प्लान। जैसे अभी नीतीश सर का प्लॉट है, तो नीतीश सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्लॉट भी R3 हो गया है। ठीक है, 18% तक बढ़ा दिया गया है, साल 2041 तक एक अनुमानित आबादी को देखते हुए जो कि 25 से 30 लाख तक होगी। यही तो बोल रहा था मैं, आवासीय क्षेत्र बढ़ाकर 58.43% कर दिया गया है, 58.43 वाव तक प्रस्तावित कर दिया गया। अब देखिए 58% कौन सा हो गया, मतलब 60% ही मान लो इसको रेजिडेंशियल हो गया, उसके बाद में कमर्शियल, और उसके जो जो ये दिए थे ना हाईवे वाईवे ये वो सब, ये बाकी के 40% में आता है। एग्रीकल्चर और वन की जमीनें भी 40% में, अब लगा लो कितनी ज़्यादा हो गई रेजिडेंशियल जो। देहरादून में जिन जगहों पर यह मास्टर प्लान बना है वहाँ लोग आ रहे हैं और मास्टर प्लान के जरिए तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। हाँ, जहाँ पे लगा रखा है नगर वहीं पे टोकन भी काट रहे होंगे उसका सर। खासतौर पर देहरादून में कई ज़मीनें ऐसी है जहाँ पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं तो इसके लिए रेजिडेंशियल जोन को बढ़ा दो, इसमें कई पार्क भी शामिल है। एक इंसिडेंट मुझे याद आया, सैंतरा रोड पे मयूर विहार एक कॉलोनी है, उसके अंदर में स्टार्टिंग में जब प्लॉटिंग हुई थी तो वहाँ पर एक सेंटर में पार्क था जहाँ पे बच्चे खेलते थे, और जो उसका रोडों के किनारे जो उस कॉलोनी का मास्टर प्लान लगा है उसके अंदर भी वो पार्क ही दर्शाया गया है, पर बाद में अभी वहाँ पे घर बनने लग गए हैं। तो ये शायद ऐसी ही बहुत सारी जगह है देहरादून में जहाँ पे हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, जिस पर अब लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अच्छा जी, पहले नहीं करा सकते थे, अब करा सकेंगे। इसके बाद MDDA द्वारा आपत्ति को निस्तारण कर इस मास्टर प्लान को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चीजों को समझ गए हैं, नया मास्टर प्लान आ गया 2041 का, जिसमें बहुत सारी जमीनों को रेजिडेंशियल कर दिया है, कमर्शियल कर दिया है, और कई रोड है, जैसे आप सैदरा रोड पे DPS स्कूल के पीछे, मैं अपने क्लाइंट्स को पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ से एक रोड निकल रही है। ठीक है, तो वो रोड भी अब नए मास्टर प्लान में आपको दिख जाएगी। दूसरा है कई जगहों पर रेजिडेंशियल जोन कर दिया गया है। तो अभी पहला स्टेप था कि प्राइस सर्कल रेट वाले, मतलब कि जो सर्कल रेट है उसको बढ़ाया जाए, स्टैम्प वैल्यू बढ़ाया जाए। अब इसके बाद से दूसरा प्लान ये आ गया 2041 का, जिसमें मेट्रो अलाइनमेंट भी है, मतलब देहरादून में मेट्रो सिटी भी बन रही है। 2025 का मास्टर प्लान था वैसे। देखो, तो आप लोग ऐसे ही अपडेट रहे और मैं इसी तरीके से और भी आपको वीडियो देता रहूंगा। रायपुर से लेकर थानों तक अभी ज़मीन की खरीद फरोख बंद हो रखी है, आप ना तो कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ही वहाँ पर नक्शा पास करा सकते हैं। उसका कारण ये है, एयरपोर्ट का एरिया बढ़ रहा है और जो विधानसभा बनने जा रही है वो रायपुर में बनने जा रही है, तो इस वजह से वहाँ पर कुछ तब्दीली आई है। तो उसकी भी मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन में लिमिटेशन लगी है और क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरीके की और वीडियो आपको पानी हो, जानकारी पानी हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।